डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आठ को में। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीबीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ज्योग्राफी ने भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा ज्योग्राफी ने भूगोल का, यहां से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन से देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी कारगर साबित होगा। यहां से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं मानव भूगोल के बारे में, तो मानव भूगोल जो होता है यह प्रकृति और मानव के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है, ठीक है। यह आपका ऑप्शन है क्षेत्रीय विभिन्नता या फिर मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या फिर अन्वेषण और वर्णन, ठीक है। तो यह जो मात्रात्मक क्रांति होता है इसका कोई संबंध नहीं होता है मानव भूगोल से। क्षेत्रीय विभिन्नता हो गया यानी क्या क्या डायवर्सिटी पाई जाती है क्षेत्र में, एरिया में। उसके बाद स्थानिक संगठन हो गया, क्या क्या मतलब संगठन है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है। अन्वेषण और वर्णन हो गया, अन्वेषण मतलब खोज, जैसे कि तेल की खोज की जाती है। असम का डिगबोई है, वहां तेल का खोज किया गया। मुंबई हाई है, वहां तो तेल का खोज किया गया, पेट्रोलियम का खोज किया गया। कोयले का खोज किया जाता है, कहां कहां कोयला है, कहां पेट्रोलियम है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो पद होते हैं, इसका सारा का जो स्टडी किया जाता है वो मानव भूगोल में किया जाता है, ठीक है। लेकिन मात्रात्मक क्रांति का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील बंधों का अध्ययन है। देखिए यहां डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो ये जो बात कही थी, ये बात किसने कही थी कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील बंधों का अध्ययन है। तो ये बात जो कही थी कुमारी सैंपल ने, किसने, सी सैंपल, कहीं आपको सी सैंपल रहेगा या फिर के कैस सैंपल रहेगा, तो आपको क्या समझ जाना है, कुमारी सैंपल ने ये बात कही थी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे वीडियो को प्लीज, क्योंकि ये सारे वीडियो काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम आपका काफी नजदीक आ चुका है और कुछ ही दिन बचे हुए, ठीक है। इसलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस बीबीआई क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे चीज को आप कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है। तो मानव भूगोल के जो जनक है वो रेडजेल, ये फ्रेडरिक रेडजेल, रेडजेल इनका पूरा नाम है। ये कहां के थे, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा फोर्थ, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, यानी नव निश्चयवाद की जो अवधारणा है, तो नव निश्चयवाद से जो संबंधित है वो टेलर साहब, कौन, टेलर साहब का जो ये एक तरह से संबंध पाया जाता है वो नव निश्चयवाद से पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब ये कि मानव भूगोल जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच जो रिलेशन होता है उसका जो अध्ययन करते हैं, लेकिन कौन ऐसे विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंध नहीं रखते, ठीक है। तो ये जो है ये कौन है, बर्टरेड रसेल। ये बर्टरेड रसेल जो है मानव भूगोल से संबंध नहीं है इसका। कुमारी सैंपल हो गया, रेडजेल हो गया, हटिंगटन हो गया, ये जो है ये लोग जो विद्वान है ये मानव भूगोल से संबंधित है, मतलब ये लोग मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। इनमें से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में कि जापान की जो जनसंख्या है ना वो बढ़ने के बजाय उल्टे चक्का चल रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है, ठीक है। यानी सब देश की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जापान की जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन में नहीं दिया, आपको याद रखना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। वैसे भी अगर हम लोग को पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो हम लोग जानते हैं कि चाइना की है, ठीक है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको कंपेरिजन करना है 4 देशों के बीच, ठीक है। तो 4 देशों के बीच जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होगा, ब्राजील, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के कंपेरिजन में। और बांग्लादेश में जो होता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी जनसंख्या जो ग्रोथ होता है ना, यानी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां वृद्धि हो रही है वो आपको बताना, ठीक है। एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका क्यों, क्योंकि अफ्रीका जो है वो क्या पड़ता है, यानी एक तरह से अफ्रीका में सीधे किरण पड़ती है, यानी जो होता है एक एरिया होता है जहां मतलब ज्यादा मतलब धूप पड़ते हैं तो उनको कहते भी कुछ है, ठीक है। यानी ज्योग्राफी का भाषा में, तो वहां जिस क्षेत्र में, यानी पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है, तो गोल पृथ्वी के जिस क्षेत्र में सीधे, यानी सूरज की जो लाइट है, यानी सन रेज जो सीधे पड़ेंगे, तो वहां जितने भी आबादी रहती है तो उसमें जो सेक्स रेशियो होता है, सेक्स कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो अफ्रीका जो है एक तरह से वहां के लोग मतलब वहां धूप ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है। वहां सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली गिरते हैं, तो वहां के लोगों में जो सेक्स कैपेसिटी वो ज्यादा होगा, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी वहां ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। ये जो जनांकीय संक्रमण जो प्रिंसिपल है, ये जो थ्योरी है, ये किसने दिया था। तो ये दिए थे नोएस्टीन साहब ने, किसने, नोएस्टीन साहब के द्वारा दिया गया था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत।
तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर देगा 9th नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या मतलब समझते हैं, मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, यानी एक वर्ग किलोमीटर पर लोग सबसे ज्यादा रह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सघन जनसंख्या। ठीक है, एक होता है सघन, एक होता है विरल। सघन का सिंपल सा मतलब है घना और विरल का मतलब होता है पतला, यानी डायल्यूट हम लोग समझ सकते हैं केमिस्ट्री का भाषा में। ठीक है, तो यानी पतला। ठीक है, तो यहां आपको सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ये आपका हो जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। ये हो जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा कि इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। 11th नंबर क्वेश्चन, तो कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन सा करेगा, वो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1559। क्या हो जाएगा, 1559। इसको कहते हैं कार्यशील जनसंख्या, एक होता आश्रित और एक होता अनाश्रित। ठीक है, एक होता आश्रित एक होता अनाश्रित, अनाश्रित एक होता आश्रित। ठीक है, आश्रित जनसंख्या जो होता है जैसे बच्चे वगैरह बच्चे होंगे और बूढ़े होंगे वृद्ध लोग होंगे, वो आश्रित जनसंख्या क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड है, वो अपने खुद करके अर्जन करके अपना जिंदगी गुजर बसर नहीं करते। और कार्यशील जनसंख्या का जो एज है वो 1559 के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। ठीक है, यानी लिंग अनुपात का घट गया तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण UAE की जो सेक्स रेशियो वो क्या हो गया, नीचे आ गया, इसका ग्राफ नीचे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो महिला की संख्या सबसे ज्यादा कौन सा देश, जापान, फ्रांस, लाटविया या फिर अर्जेंटीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका लाटविया, क्योंकि लाटविया में क्या है कि पुरुष कम है, यानी पुरुष कम है महिला ज्यादा है। महिला अगर 1000 है तो पुरुष वहां 900 के करीब है। ठीक है, यानी 900 प्लस या फिर 1000 के नीचे होगा। नहीं, यानी कहने का मतलब ये पुरुषों की संख्या कम और जो महिला की संख्या वो सबसे ज्यादा है लाटविया में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम पाए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका में लगभग विकसित हो चुका है, अमेरिका इतना विकास कर लिया, डेवलप कर लिया कि गांव गांव नहीं रहा, अब वहां गांव का गांव गांव नहीं रहा, ग्रामीण ग्रामीण नहीं रहे, वो भी शहर बन गए। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इंडिया की बात की जाए 2011 के अनुसार जो जनगणना हुआ था तो 31% जो पीपल थे यानी जनसंख्या थे वो नगर में रहते थे और कितना बचा 69, तो ये जो जनसंख्या प्रतिशत 69% जनसंख्या वो ग्राम में रहते थे। ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इनमें से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो प्रतिशत होता है वो होता पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र राष्ट्रकुल का, यानी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल का। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट समझते हैं हम लोग, यानी एचडीआई जिसको बोलते हैं इंडेक्स, यानी एचडीआई क्या करता है कि मानव विकास को मापता है। तो मानव विकास के कौन मूलभूत क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपलब्धता, सभी। बिल्कुल, मानव स्वास्थ्य के बिना विकास नहीं कर सकता, ये भी मानव विकास के लिए मूलभूत क्षेत्र है। संसाधन के बिना तो कभी नहीं कर सकता, शिक्षा के बिना तो और कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो तीनों चीज जो है ये मानव विकास के लिए मूलभूत क्षेत्र है, तो आपका ये सभी हो जाएंगे उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 17 निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। समानता जिसको इक्वलिटी बोलते हैं ये जरूरी है, यानी समाज में समानता लेनी चाहिए, यानी समाज में कोई भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर या फिर निवास आवास के आधार पर या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई किसी को बेस मानते हुए समाज में किसी दो लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो वहां हो जाएगी इक्वलिटी, तो समानता को बढ़ावा देंगे तभी मानव का विकास होगा। तो स्तंभ ये है, ठीक है, सततता भी है, उत्पादकता, जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जनसंख्या, यानी मानव विकास के स्तंभ जनसंख्या को नहीं माना जाएगा, उत्पादकता, सततता और ये समानता, ये तीनों होंगे। सततता का मतलब होता है लगातार विकास करना, उत्पादकता का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में अपने कंज्यूमर यानी कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स यानी जो हम लोग दैनिक जीवन में जितने भी इस्तेमाल करते हैं, जितने भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 18 क्या पूछ रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है 0.8 से ज्यादा है। HDI रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो ये 0.8 से
ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 0 से 1 के बीच होता है स्कोर जो होता है SDI का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो स्कोर जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 0.8 से ज़्यादा था SDI स्कोर कितने देशों का, वो आपको बताना है, ठीक है। तो कितने देशों का था भाई, ये आपको बताया गया था थ्योरी में, तो ये जो थे 57 देशों का, कितना देशों का, 57 देशों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज़ जम करके शेयर कर दें, ठीक है। देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और अपने दोस्तों को भी लेके चलिए, यानी कर भला तो हो भला, ठीक है, जानते हैं ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, यानी सबसे ज्यादा अगर होगा वो हो जाएगा SDI रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अगर आगे रहता वो नॉर्वे रहता, अगर सबसे अगर पीछे रहता कोई देश ना, यानी सबसे कम अगर मानव विकास है SDI रिपोर्ट में सबसे नीचे जिसका रैंक आया है वो मीन का हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मीन का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी विकास का आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में साधारण परिवर्तन, ठीक है। तो 20 का जो करेक्टनेस हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी है, देखिए विकास यानी आदमी में विकास कब होगा, आदमी में हर गुण पाया जाता है, आदमी में हर गुण पाया जाता है, वो अच्छे गुण भी होंगे और बुरे गुण भी होंगे, अच्छे खूबी भी पाई जाएगी बुरे खूबी भी पाए, यानी मेरिट और डेमेरिट, ठीक है, मेरिट और डेमेरिट ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो मेरिट है यानी जो अच्छे गुण है उसमें अगर विकास होगा, उसमें अगर बढ़ोतरी होगा, यानी धनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव की ओर बढ़ना, मतलब उसमें बढ़ोतरी होगा तो वहां क्या होगा कि विकास होगा, ठीक है। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन यही है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, ब्राजील में कॉफी की जो बगान है उसको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फेजेंडा कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बार-बार, याद रखेंगे, याद नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप याद रखेंगे, अच्छा तरीका होता है ये भी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो यहां आपका रोपण फसल जो नहीं हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, रोपण फसल ये चावल रोपण फसल होता है क्या, नहीं, ये चावल ये जो है जीवन निर्वाह कृषि है, ये क्या है, जीवन निर्वाह कृषि है चावल, ठीक है। तो चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि, चावल सहित जीवन निर्वाह कृषि, ये आपको पूरा थ्योरी में बताया गया है। रबर चाय गन्ना जो है ये क्या है, रोपण फसल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल जो नहीं होंगे ये गेहूं रोपण फसल है क्या, नहीं, ये रोपण फसल नहीं है, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है, जिसको क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो उत्पादन होती है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए तभी गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, गेहूं की जैसी जस्ट आ गया, मैंने अभी जस्ट बोला, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका, मैंने अभी बोला ना कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं की खेती के लिए आदर्श टेम्परेचर यानी आइडियल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट खेती होगा यानी बेस्ट कृषि होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 25, आज विश्व के यानी दुनिया के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण द्वारा होता है, ठीक है। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है चल चल करके पशु को चराना, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय भैंस जितने भी होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह, चलवासी पशुचारण का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाओ, फिर दूसरी जगह से तीसरे जगह जाओ, मतलब चल चल करके पशु को चराना, यानी पशु को चारा का इसमें कोई नहीं होता, चारा जो होता है ना चलवासी पशुचारण में, एक जगह चारा का कोई व्यवस्था नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण चल चल करके पशु चराते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं चलवासी पशुचारण। तो आज अगर दुनिया में बात देखा जाए तो चलवासी पशुचारण जो है ये कितने लोगों को रोजगार देता है या फिर चलवासी पशुचारण पर कितने लोग निर्भर हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्टनेस हो जाएगा वो जाएगा आपका 2 करोड़ लोग जो है वो चलवासी पशुचारण करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, ठीक है। तो भूगोल का जो वर्णन नहीं करता ये कथन हो जाएंगे आपके 26 का, हो जाएंगे समकालनात्मक अनुशासन। ये जो है ये क्या करता है कि भूगोल का कोई वर्णन नहीं करता, ये इसका कोई काम नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है भूगोल का, ठीक है। तो बाकी ये तीनों जो टर्म है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं द्रव्यता का पर आश्रित, तो ये तीनों जो स्टेट है ये तीनों स्टेटमेंट भूगोल का वर्णन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है मतलब सोर्स नहीं है। तो ये जो हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य से कुछ मिलता है क्या भूगोल को, नहीं मिलता, प्राचीन महाकाव्य से कुछ पता नहीं चलता भूगोल के बारे में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, क्वेश्चन काफी सिंपल है, स्वागत कर रहा है आपका, क्वेश्चन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा,
टेक्नोलॉजी यानी जो एक तरह से तकनीकी का जिस तरह से अभी विकास हो रहा है ना, वो नेचर और मानव यानी प्रकृति और मानव के बीच एक ऐसा मतलब संबंध स्थापित कर दिया है पारस्परिक क्रिया द्वारा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। यानी प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएंगे, तकनीक हो जाएंगे। तकनीक देखिए, इससे पहले कुछ नहीं था, प्रकृति ये अलग था, ये अलग था, ठीक है, मानव अलग था, ठीक है, लेकिन ये तकनीकी आकर के दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो मूल आवश्यकता परिवहन, कृषि निर्माण, गृह निर्माण या फिर वस्त्र उद्योग, ठीक है। देखिए यहां आपको मूल आवश्यकता पूछा गया, देखिए वस्त्र उद्योग यानी वस्त्र, आदमी कपड़ा के बिना रह सकता, नहीं रह सकता। अभी ठंडी का मौसम आएंगे तो कपड़ा के बिना आप रह सकते हैं, ठीक है, तो नहीं रह पाएंगे। ठंडी खाएंगे तो फिर आपका मतलब वही हो जाएगा जहां आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है गृह निर्माण, क्या घर के बिना आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अगर घर आपके पास नहीं है तो आपको तरह तरह के मतलब बाढ़ हो गया, बरसात हो गया, उनका सामना करना पड़ेगा, जो आप मतलब आपके सेहत के लिए नहीं ठीक होगा और आप कुछ भी हो सकते, बीमार भी हो सकते, ठीक है। उसके बाद कृषि, कृषि में अगर उत्पादन नहीं होगा अनाज का उत्पादन, तो कृषि खाएगा क्या इंसान, ठीक है, आदमी क्या खाएगा, तो ये भी जरूरी होता, ठीक है। तो आवश्यक संबंधित नहीं है। परिवहन, नहीं, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना गाड़ी के द्वारा चल के, तो हम लोग पैदल चल जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह चलेगा, ठीक है, ये इतना आवश्यकता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं रखता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है, कौन सा फैक्टर को जो है सबसे बेस्ट माना गया। तो ये दोनों फैक्टर, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर, ये दोनों जो होते हैं संभववाद की अवधारणा, ये आइडियोलॉजी है, संभववाद क्या है, एक आइडियोलॉजी, ठीक है। तो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सी, ए और बी बोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 31, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का कारक मतलब जनसंख्या में चेंजिंग आता है, कभी जनसंख्या बढ़ती है, कभी जनसंख्या घटती है, तो इसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन। कभी किसी देश की जनसंख्या अगर 1 मिलियन है, सपोज दैट अगर 100 मिलियन है, तो उस देश की जनसंख्या अगर घट भी जाती है, कभी घट के 99 मिलियन हो जाता है, फिर बढ़ के 101 मिलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, यही जो परिवर्तन है वैसे कारक जो इस परिवर्तन को नहीं प्रभावित करता है, यानी जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो आपको चूज करके निकालना, पर आवास, प्रवास, जन्म या फिर मृत्यु। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका आवास, क्या हो जाएगा, आवास। ये आवास यानी आवास का मतलब क्या होता है, घर, घर क्या, घर ज्यादा होंगे तो जनसंख्या ज्यादा होगा, कोई डिपेंड करता है। किसी फैमिली में 10 मेंबर रहते हैं लेकिन उसके पास 2 घर रहता है, किसी फैमिली में 10 घर रहते हैं लेकिन वहां 2 मेंबर रहता है, तो आवास से कोई रिलेशन नहीं रखता है जनसंख्या में परिवर्तन। प्रवास अगर ज्यादा होगा, उस देश में बाहरी लोग ज्यादा आएंगे तो वहां जनसंख्या बढ़ेगा, अगर बाहरी लोग नहीं, यहाँ के लोग प्रवास कर जाएंगे, दूसरे देश चल जाएंगे, तो वहां जनसंख्या कम होगा। जन्म दर अगर ज्यादा होगा तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा, जनसंख्या आगे जाएगा, डेटा इसका आगे बढ़ेगा। मृत्यु अगर ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, डेटा नीचे आएगा। मृत्यु कम होगा तो डेटा ऊपर जाएगा, जन्म अगर कम होगा तो डेटा नीचे आएगा। तो ये सारे चीज जो होते हैं वो जनसंख्या के परिवर्तन के कारक हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल का मतलब होता है क्या, विरल मैंने आप लोगों को सघन बताया, सघन का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और विरल का मतलब क्या हो जाएगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 33 स्वागत कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवास यानी माइग्रेशन, जो माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो आदमी जाते हैं यानी जीवन भर के लिए या फिर कुछ वक्त के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ अपने जिंदगी के मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, उसके 2 कारण होते हैं, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है, जैसे कि बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया। अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, उच्च सैलरी, अच्छा मतलब रहन सहन, ये क्या हो गया, अपकर्ष कारक हो गया, अच्छा शिक्षा। तो ये जो कारक है ना, ये उत्तरदायी है प्रवास के लिए, माइग्रेशन के लिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34, सऊदी अरब में किस दिशा में के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन से ही बसा हुआ, ठीक है, यानी एंशियंट यानी पहले से ही बसा हुआ, ठीक है। तो इसको जो दिशा है, ये कौन सा दिशा हो जाएगी, पश्चिमी दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। विकसित देश किसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो देश पूरा तरह से विकास कर लिया, जैसे कि अमेरिका, जापान, क्या है, विकसित देश है। विकासशील देश जो विकास कर रहा है यानी तरक्की कर रहा है, जैसे कि भारत, क्या है, विकासशील देश है। तो ये दोनों देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, कौन सा वर्ष है वो आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो वर्ष चल रहा था 1970, कब, 1970 के दशक में या फिर 1970 के वर्ष में अभी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्या पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, 2005 के अनुसार या फिर 2005 के संदर्भ में दुनिया के देशों में भारत की जो कोटी थी वो कितनी थी। तो 127, क्या हो जाएगा, 127 इसका रैंक था, ठीक है। आप देखिए कितना पीछे आ गया, इनका 127 रहना चाहिए, इंडिया का नहीं, आगे रहना चाहिए, विकास होगा तभी तो, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्या पूछ रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहयोग होते हैं। तो ये जो प्रकार के संसाधन है प्राकृतिक संसाधन बहुत बड़ा रोल फैक्टर यानी रोल निभाता है किसी भी देश के सामाजिक यानी किसी भी विकासशील देश के जनसंख्या के सामाजिक ढांचे जो होते हैं उसको विकसित करने में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए 38 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील देश है। तो नाइजीरिया क्या है विकासशील देश है मतलब विकास कर रहा, तो इसको ये क्या हो जाएंगे विकासशील देश है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 39 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य तथ्य नहीं है मतलब सही तथ्य नहीं है। तो ये जो रॉन्ग तथ्य को आपको मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट को निकालना है। तो जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात सत्य नहीं है मतलब सही तथ्य नहीं है, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है सबसे बेस्ट जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जमीन की आकृति पर स्थल की आकृति पर अगर स्थल ऊबर खबर है या फिर पहाड़ी है तो वहाँ जनसंख्या कम बसेंगे क्योंकि जनसंख्या को बसने के लिए वहाँ रहने के लिए या क्या चाहिए मतलब अनाज चाहिए तो अनाज का उत्पादन वहाँ होगा नहीं। अगर स्थल की आकृति अगर मैदान होगी मैदानी क्षेत्र होंगे तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसेंगे और वहाँ पानी की सुविधा भी हो ही जाती है और वहाँ कृषि के क्षेत्र ज़्यादा होगा कृषि का विकास होगा जिसके कारण वो मैदानी क्षेत्र में बसना पसंद करेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है सबसे बड़ा कारक वो है आपका स्थल की आकृति। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो वो जो वर्ष था ना वो था 1999 कितना 1999 का। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन कवर किए ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और ये सभी क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से याद रखिए लेकिन याद रखिए आप जैसे याद रखें कैसे याद रखें नहीं रखें ट्रिक लगा के कुछ लगा के लेकिन आपको याद रखना हर हाल जरूरी है हर हाल में जरूरी है क्योंकि यही सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहां से आपको 100% मैं गारंटी देता हूं जितना भी क्वेश्चन अभी जो हम लोग कवर किए तो यहां से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए और जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्टों को बैलेंस के साथ लेकर के चलिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।